नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्डन मिरर, हर पल आपके साथ। तो बड़ी जल्दी वो अभी स्टेज पे आने वाले हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर उनके लिए पावर पैक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू। आज हम बहुत ही लकी हैं उज्जवल जीवन और सफलता का मूल मंत्र को विस्तृत रूप से परिभाषित करने हेतु रविवार को सीतारामपुर स्थित टैगोर हॉल में पावर कपल सीरियल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच आशीष कुमार झा देवजानी मित्रा उपस्थित हुए योर इंपावरमेंट सेमिनार नामक कार्यक्रम के तहत। मोटिवेशनल सेमिनार में आशीष कुमार झा देवजानी मित्रा ने अपने वक्तव्य से उपस्थित लोगों को जीवन जीने के सरल रास्ता बताया। ऐसे लीडर जो जिनके सुनने के लोग इंडिया के हैं, तो विदेश के लोग इंटरनेशनल स्पीकर हैं हमारे बीच में, तो तलाशते हैं लोग। और आपको पर सुनने के ऐसे तब्बा को ऐसे इंटरनेशनल लीडर को सुनने का मौका मिला है। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसका एक बार बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं। आशीष सर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे पहले, और लास्ट जॉब उनका सीईओ का था प्रेसी ग्रुप कि जब मौका मिले घरवाले के पास बैठे रहो, खिसकने की आसानी होती है। अच्छा ये ऊंचा है, वो ऊंचे से ऊंची मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास कितना मिडिल क्लास है, थोड़ा जोर से हल्ला करेंगे। क्या बात है, मिडिल क्लास कहते किसको है, किस क्लास को मिडिल क्लास कहते हैं? जिसको गरीब रहना अच्छा लगता है तो ठीक से अमीर हो नहीं पाया उसको मिडिल क्लास बोलते हैं। जिसको जरा भी कंफ्यूजन है कि वो कौन सी क्लास में, वो पूरे बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल चीज क्या है, क्या है? माइंड है ना, कंप्यूटर सारा पावरफुल माइंड है ना। एवरीथिंग माई, मुझे नहीं पता कि बेस्ट फ्रेंड का मतलब कुछ और होता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर पार्टनर इन एवरीथिंग, वी डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम ईच अदर। ही नोज, उनको पता है कि मैं कैसे हूँ, मुझे पता है कि वो कैसे। जस्ट आई जस्ट विश कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और हम लोग साथ ऐसे एक साथ रहें। हैप्पी वेलकम माई हैंडसम एंड सक्सेसफुल एंड। तो देवयानी मुझे हमेशा कहते हैं कि शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख बांट लूंगी, ठीक है ना? ओके, मैं सारे दुख बांट लूंगी। मैं कहता हूँ मैं दुखी कहाँ हूँ, मैं तो खुश हूँ। शादी के बाद तो बांट लूंगी। तो इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजरी है। ओके, अब मैं शुरू से शुरू करता हूँ। अभी तो आपने मेरा चैप्टर 4 पढ़ा, तो शुरू से शुरू करता हूँ। मिडिल क्लास से शुरुआत की थी हमने, राइट? मेरे फादर ब्यूरोक्रैट, कितने लोग आईएएस जानते हैं क्या होता है? आईएएस जानते हैं? हाँ, गवर्नमेंट सर्विस नहीं जानते? बाकी लोग नहीं जानते गवर्नमेंट सर्विस क्या होती है, सब जानते हैं, ठीक है? हाथ भारी हो रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मेरे फादर एक ब्यूरोक्रैट थे, ठीक है? ब्यूरोक्रैट कैसा होता है, लाइफ उसकी कैसी होती है? एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा होता कुछ नहीं है। मेरे फादर अपनी ड्यूटी के लिए कितनी ज़्यादा टेंशन लेते थे, ये हमने बच्चों से देखा। ओके, उन्होंने लीक से हट के चलने का काम किया। मेरे दादाजी एक
पहले किसान हुआ करते थे, बाद में अंग्रेज सरकार में रेलवे पुलिस में कांस्टेबल हुए। तो जब वो कांस्टेबल हुए तो उन्होंने अपने बच्चों को वही शिक्षा दी जो उन्होंने सीखा कि कैसे कांस्टेबल होते हैं, कैसे पुलिस में भर्ती होते हैं। मेरे बड़े पापा पुलिस में भर्ती हुए, ओके, उनको बहुत सारी दंड बैठक करना सिखाया, उनको बहुत सारा पहलवानी करना सिखाया, बट मेरे पापा को पहलवानी समझ नहीं आई। मेरे पापा ने उसमें पढ़ने का डिसीजन लिया, ओके, पढ़ने लिखने के लिए भी एक समय था जब डिसीजन लेना पड़ता था, ओके, आपके घर में विरोध होता था। आज किसी घर में कोई बच्चा सोच सकता है कि पढ़ने लिखने विरोध होगा उसका? कभी नहीं। मेरा नाम अलका रानी, आप कहाँ से? मैं दुर्गापुर से। कैसा लगा यह प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा लगा। ये जो स्पीकर है बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और ये आज का प्रोग्राम मुझे बहुत ही एनर्जी देता है, मुझे ज़िंदगी के प्रति बहुत ही पॉजिटिव बनाता है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ प्रोग्राम था। बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। में क्या सीखा? जिंदगी को देखने का एक नया नज़रिया मिला कि हम लोग ज़िंदगी में जो नेगेटिव होते हैं सोचते हैं हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, हमें उन चीज़ों को छोड़कर अपने अंदर की शक्ति जो होते हैं ना उसको जगाना चाहिए, अपने अंदर जो हमारा जो आत्मविश्वास है उसको कभी कम नहीं होने देना चाहिए, और किसी से खुद को कम नहीं समझना चाहिए, और अपनी इच्छा शक्ति से अपने जो हमारा जो मंजिल है, हमारी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कर्तव्य करना चाहिए। ठीक है, यही कैसे मैं मैं करती हूँ, मुझे 4-5 महीने हो गए इस बिजनेस को करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ये बिजनेस को करने में, और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बहुत बड़ा ग्रुप बने, और मैं इस बिजनेस को और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, लोगों के साथ में रहना चाहती हूँ, और एक अच्छा सा बिजनेस करना चाहती हूँ। जो लोग अर्निंग कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन घर से निकल नहीं रहे, उसके लिए क्या करूँगा? उसके लिए तो मैं चाहूँगी कि उन लोगों को हेल्प कर सकूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आया। आप सर का स्पीच सुने, कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। ये सर को हमारे सर जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत मज़ा आता है इनके स्पीच को सुन के, और एनर्जी मिल जाता है, ऐसा लगता है कि हम लोग आगे कर सकते हैं। और मैं भी इस बिजनेस को कर रही हूँ। अच्छा, मैडम आपका नाम क्या हुआ? आप तो आज जो पार्टिसिपेंट के सेमिनार में क्या सीख कर जा रही हो? मैं इस बिजनेस में और सर का जो स्पीच जो हम सुने हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये बिजनेस करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं जो घर से नहीं निकलना चाहती है और कुछ नहीं कर पाती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हम इन इसमें जुड़े हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की जिंदगी बदलने के लिए हमें अपने जिंदगी को उसके नाम करते हैं। अब चाहते हैं हर देश में हर एक व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन और हर दिन जो हमारे अंदर शक्ति है उसको बेस्ट निकालना हमारी ऊंचा है। यस 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 एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हम जिंदगी में इतना नो सुनते हैं कि ना सुनते हैं, हम दुखी होते हैं, हम व्यस्त हैं। यस एक शब्द भी है और यस एक टेक्नोलॉजी भी है। यस का फुल फॉर्म है लोअर एम्पावरमेंट सेमिनार, ठीक है, यानी आपको शक्ति देने वाला सेमिनार। इस सेमिनार को हमने समर्पित किया था, इस सेमिनार को हमने सोचा था कि एक साथ पहले हमें क्या चीज़ें देशवासियों को चाहिए, और वो चीज़ सबसे बताइए ये बात है बस वो आशा चाहिए, उनको एम्पावरमेंट चाहिए, उनको चाहिए वो शुद्ध रूप से बात करते हैं, और उसी के लिए ये सेमिनार का हमने कॉन्सेप्ट किया। और आज के साथ देखा जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिजनेस का शिकार हो जा रहे हैं, जी सुसाइड कर रहे हैं, जी हमारा मुझे लगता है कि आप उस जानी पर बोल रहे हो सुसाइड को रोकने की ये कहाँ से लाया है, ये क्या है? देखिए बेसिकली हर एक व्यक्ति की जिंदगी में मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप अगर देखोगे तो बड़े से बड़े महाराष्ट्र को भी साथ ही चाहिए, हीरा खुद को तलाश नहीं किया, उसको भी चोरी चाहिए, अर्जुन को भी कृष्ण चाहिए, उसी तरह से हर एक मार्गदर्शन की कमी होने की वजह से वो ऐसे कदम उठाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वगैरह होती है चारों तरफ प्रेशर और रियलिटी कुछ और। इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए या अपने आप से राइट एक्सपेक्टेशन करने के लिए आपके पास राइट मार्गदर्शन होना चाहिए। इसीलिए सोसाइटी को देख करके, इंस्टीट्यूशन को देख करके, देश की भारत देख करके हमने डिसाइड किया कि हम दोनों व्यक्तियों को बदलने को बना सकते हैं।
अपने स्व से ऊपर उठ करके लोग जाना पड़ेगा, संदेश पहुँचाना पड़ेगा, चिंता न करें, कैसे मदद करेंगे हम लोग सबसे पहले उनके मन में आशा का संचार करें, उनको अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताएं, हमने जो फेस किया वो बताएं, एक कपल ऐसी चीज़ों को लेकर के दोनों को साथ देकर आगे बढ़ता है, यूनिटी के बारे में बताएं, साथ में हम लोग इस एसोसिएशन करके जो नाम हमने लाइफ में किया उसको एक एग्जाम्पल देते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ की बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हैं जिससे लोग मिल जाते हैं, उसमें समय लगता है, लोग हमारे सेमिनार में आते हैं, प्रभावित होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, हमारी संस्था की वजह से कोई वो लोग अपनी जिंदगी में एक तरह से लाइफ कोचिंग करते हैं, देखिए एनर्जी आती है सेवा भाव से, अगर आपके पास सेवा भाव है ईश्वर आपको देखा, मैं तो दो घंटा स्पीच दे रहा हूँ, लोगों ने तो सालों साल खड़े होते लोगों की सेवा की, वो सेवा भाव से लिख दिया, हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया एक एक क्रम भी होगी और लोगों की सेवा करें, इसलिए लोगों की प्रेरणा बनी, अनएम्प्लॉयमेंट का हल आज नहीं, यहाँ से 60 साल पहले बता दिया गया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का हल स्वरोजगार, हम किसी और का मुंह क्यों देखते हैं कि बेरोजगार है, क्यों नहीं हम अपने पैरों पर भरोसा करते, ठीक है, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है अपने पैरों पर, आप भी तो उद्यमी बन सकते हो, आप बनो ना अगला अंबानी, क्या दिक्कत है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए आप किसी और का मुंह देखो, सब लोग अपॉर्चुनिटी सीकर बन गए, पढ़ाई करते हैं अपॉर्चुनिटी सीकर बन गए, सबको जॉब चाहिए, जॉब देने वाले बनो, तो पढ़ाई करो अच्छी बात है, लेकिन दो साल थोड़ी और मेहनत करो बाद में बिजनेस खड़ा करते हैं, मायूसी का मुझे हमें तो मायूसी बहुत नहीं होती, कभी कभी जरूर मुश्किल होता है, बोलते जब अपने आप की एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा नहीं कर पाते, जब लगता है किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उस व्यक्ति को हम इशारा करते भी हैं, उस व्यक्ति को हम आशा देते भी हैं, लेकिन वो व्यक्ति हार जाता है, थोड़ी मायूस हो जाती है, आज कैसा रिस्पॉन्स मिला रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारंपुर में कल सेमिनार कभी नहीं हुए थे और पहले सेमिनार भी जाने की जरूरत थी, और दरअसल हम रिस्पॉन्स के लिए आए, हम यहाँ पर हम झंडा गाड़ रहे हैं, हम यहाँ पर काम करने आए, सेवा करने आए, हम यहाँ पर बटोरने नहीं आए कुछ, आज यहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं आते ना, तभी भी हम यहाँ रहते और हम लिखते और हम दोबारा आते, क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ की शुरुआत भी होगी जैसी भी होगी अंत अच्छा होना चाहिए, आपको एक तरह का फिगर जी और देशों भर में भारत का संदेश है, भारत का व्यक्ति उन्नति है, भारत का व्यक्ति जो चाहे उसका दिन बड़ा ईमानदार है, सेवा सचिव से मिलेगा, हमारा मकसद क्या है, पावर पैसा शोहरत इज्जत उनके हाथ में जाएगी सही लोग, अगर सही लोग के हाथ जाएगी तो उसका सदुपयोग करें, गलत लोग के हाथ जाएगी उसका दुरुपयोग करें, इसलिए सही व्यक्ति को मिडिल क्लास का आदमी ईमानदार मेहनती होता है, उस व्यक्ति को अगर सच में पैसा मिलेगा तो वो ईमानदारी से उसको बांटेगा, ईमानदारी से वो तरक्की में लगाएगा, वो करप्शन नहीं करेगा, इसीलिए हम उन तक पहुँचा जाते हैं जिनसे चीज़ छीनी गई, बस रोजगार का रोना जो होते हैं इसलिए उनको ये कहेंगे कि आप रोजगार के ऊपर डिपेंड मत, आप स्वावलंबी बनो, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट करो, इतने सारे सेक्टर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, स्टार्टअप करो, अब देखो अमेरिका क्यों आगे बढ़ गया, जापान क्यों आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पर सब लोग उद्यमी हैं, उद्यमिता ही रोजगार की जो समस्या है उसका सोल्यूशन है, आप देखो गुजरात में कोई नौकरी नहीं करता, महाराष्ट्र में कोई नौकरी नहीं करता, नौकरी हम लोग आगे करते हैं, वो लोग उद्यमी हैं, आप परिश्रम के एक्सपर्ट हो, परिश्रम के एक्सपर्ट हो, दूसरों से काम कैसे करवाते हैं ये सीखोगे तो आप ऐसे ही आपके रोजगार का सोल्यूशन कर पाओगे, क्या होता है कि अगर आप बेसहारा हो किसी का सहारा बनो आपको अपने आप ही सहारा दोगे, आज जो सेमिनार जी सर कैसे आज का हमारे सेमिनार का मैसेज है, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, होप आए, आपको लगा कि ये संस्था ऐसी संस्था जिसमें जुड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आप हमारी संस्था से जुड़ो, हमारे वर्किंग स्टाफ तरफ से आप उनसे मिलो, उनके साथ बैठ करके आप अपनी लाइफ का एक प्लान बनाओ, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है कि हम लोग 5 ईयर का एक गेम प्लान बनाते हैं, आप ऑडियंस को समझा सकते हैं, बताते हैं 5 साल का गेम प्लान बनाते हैं, 5 साल के अंदर सबसे पहले हम 1 से 2 साल के अंदर में अपने अंदर जो एम्प्लॉई है जो हमेशा मांगता है मुझे सर्विस दो उसको पहले बाहर करते हैं, और अपने अंदर के उद्यमी को जगाते हैं, हम लोगों को एजुकेशन देते हैं, उन किताबों को पढ़वाते हैं, इसलिए हम वो ऑडियो सुनाते हैं जिससे उनको सफल लोगों के बारे में मालूम चलता है, और हम उनको वो काम देते हैं जिस काम से आगे बढ़ते हैं, जैसे आज एक बहुत बड़ा उद्योग है डायरेक्ट सेलिंग, उस डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में आज लाखों करोड़ लोगों को स्वरोजगार है, तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग लाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे बढ़ते हो, मिडिल क्लास का फायदा क्या होता है, निवेश नहीं लगता, रिस्क नहीं होता, प्राइवेट सॉल्व सकते हैं, जब उसमें सफलता हासिल कर लेंगे तो आगे चल करके और सक्सेसफुल चल पा सकते, आपको मैं देखिए पूरा में बात में बोलिए आज सब छोटे लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं वो किसे कॉन्टेक्ट करें, आप लीडर्स यहाँ पर जैसे हमारे लीडर हैं आप बता विनीत शर्मा जी हैं, सीमा शर्मा जी हैं, आप यहाँ सीतारामपुर में विकास और प्रिया वर्मा जी हैं, ठीक है, दुर्गापुर में अलका जी हैं और नरेंद्र चौबे जी हैं, इस तरह
हमारे लीडर से हर एक जगह पर आते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बड़ा नहीं होता, कोई टीम नहीं है। सबसे अच्छी बात आप और करेंगे कि यहाँ पर कोई सीडर नहीं है, सबका पर ठीक है ना, कहते हैं जहाँ भरे दंपत्ति वहाँ भरे सब कपल के साथ में काम करें, ये सब चीज़ सबसे अच्छी यहाँ पर विभिन्न एम्पावरमेंट है। आसनसोल बहुत स्पेशल कुछ लेकर के आ रहा है, और ये है कि आने वाले एक से दो सालों के अंदर में आसनसोल में कम से कम नहीं कुछ तो 50 ऐसे लोगों देखेंगे जो आर्थिक विचार। हमारा जो बेसिक जो मकसद है वो है आर्थिक आधार। आज पूरी दुनिया अर्थ से जुड़ रही है, लोग कहते हैं मुझे जॉब चाहिए, मैं कहता हूँ जॉब नहीं मुझे इनकम चाहिए। गलत नहीं मत, जॉब इज नॉट ओनली इनकम, इनकम वो सीखोगे जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे लोग को पैदा करेंगे सामने आपके लिखेंगे 50 लोग आर्थिक रूप से आज़ाद हैं। मतलब आगे क्वेश्चन ये है कि जो लोग जिंदगी से मायूस हो जाए करना शुरू करें उसकी निगरानी बहुत बहुत बड़ी बात है। दरअसल नशा क्या है, नशा एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। टेम्पररी सॉल्यूशन से ठीक कहते हैं अपनी जब वो नहीं झेल सकता हूँ तो मैं कल्टिवेटेड होता हूँ। मैं कहता हूँ तो मुझे कि आप क्यों नहीं ट्रीट करते या फिर आप बड़े जिंदा दिखा रही हैं आपको इसे करा सकते यार, मैं जिंदगी में ऐसे ही इतना बड़ा नशा है, मेरा काम ही इतना बड़ा नशा है, मैं ऐसे ही इतना हाई रहता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं। आप जब इस तरह के सिस्टम में आते हैं ना तो आप सारे नशे अपने आप फ्री करते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहूँगा कि बस एक बार ऐसे सेमिनार में निकल गए, फिर देखिए वो इतना हाई फील करेंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने ऐसे लोग हैं जो नशामुक्त हो गए हमारे यहाँ पर, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये बिजनेस या ये सिस्टम हाई लेकर दुबई हमने किया है, स्पीकर से दिया है, दुबई में दिया है, सिंगापुर में दिया है, मलेशिया में दिया है, पैरिस में दिया है, सिंगापुर में दिया एंड अभी इस बार बाली इंडोनेशिया में दिया है, और इस बार अभी चाइना जा रहे हैं और चाइना के बाद लोग इस्तानबुल टर्की जा रहे हैं। अच्छा कहाँ लगा है सब जगह की अपनी अपनी अच्छी खासियत थी। थाईलैंड में हमारा सेमिनार हुआ था जहाँ पे हम दोनों साथ में गए थे। हाँ ऐसे तो इंडिया में बहुत जगह लगा, ठीक है, हम लोग जब भी साथ जाते हैं एक बार मैं इंडिया भी करती हूँ भी रहने चुका था, लेकिन हम लोग जब भी साथ हमें बहुत अच्छा लगा है। हर जगह के व्यक्तियों में एक चीज़ कॉमन पाई है, सबको आशा की, सबकी सवाल वही है, प्रॉब्लम सब जगह वही है। एक माँ का अपने बच्चे के अंदर संवेदना हर कंट्री में से, ठीक है, और एक व्यक्ति के अंदर जो प्रॉब्लम्स है जो मिलता है वो हर कंट्री में से, ऐसा नहीं कि दुबई का अलग या यहाँ अलग, सब जगह होना चाहिए। इसीलिए ये पूरा विश्व में आता लोगों को ये समझ करके काम किया, अच्छा अगर बोलेंगे तो हर व्यक्ति अपनी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम उम्र में आपको अच्छा प्रोग्रेस सब लोग आपसे जुड़े हुए और आपको देखने पर लोगों के कमीज बनता है, आपके बात का क्या होता है? देखिए कहते हैं हर शख्स के नो हर आदमी की तरक्की के पीछे महिला का हाथ होता है, तो महिला की शुरुआत मेरी माँ से, मेरी माँ का जो संस्कार उन्होंने दिए इससे आगे आपके सामने खड़ा मुझे बोल पा रहे हैं, उसके मेरी आदमी जिंदगी मेरी भाभी का होती है। सबसे बड़ा सबसे अहम रोल इन्होंने निभाया वो मेरे साथ बैठी हुई है, ठीक है, जो मेरी लाइफ पार्टनर थी, मेरा नाम तेज जानी है, और इनके आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदली। 23 साल की उम्र में मैं और देवयानी से समय से एक दूसरे के साथ में, और मैं मानूली से मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाला करता हूँ, उसके बाद मैं बड़ा ईस्ट इंडिया हेड बना, फिर सीईओ बना, और अल्टीमेटली मैं फ्री हुआ। देवजानी के अंदर में वो कला है कि वो कभी भी आपको टेंस नहीं है, कभी भी आपको ये फील नहीं करती कि आप हार रहे हैं, आप इतनी कभी हारा हुआ महसूस हुआ बहुत बार हुआ, लेकिन उन्होंने फील नहीं करती। तो हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए जो कभी भी उनको निराश नहीं महसूस होना, हमेशा आपको बिलीव करें, हमेशा डिजाइन ये करते कि तुम हो, तुम कर सकते हो, ऑलवेज बिलीव, हमेशा बुझा गया करें अपने काम जो अपनी जोड़ा कर सकता है, मोटा बनता है, क्योंकि अपनी वैल्यू से ज़्यादा समझना भी, अगर कोई मुझे भाड़ा दे सकता है तो मुझे मेरी वैल्यू क्या हम लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सबके बारे में सोचते हैं, कभी कभी लगता है कि थोड़ा
और आप अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल फ्यूचर में। आपको जब तक जान है तक जान है, जब तक सांस रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। बेसिकली हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वी लव अवर वर्क, हमें अपने काम से बहुत प्यार है और उसके लिए हम दोनों को एक दूसरे को हम लोग को प्रेशराइज नहीं करते। जब हम लोग अपने साथ चलने को मिलता है हम लोग साथ चल के उस काम को एंजॉय करते हैं, बोल के शायद लगता है कि जब तक मन करेगा तब तक काम करते मैगी दे दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोई काम अगर आप करना है अकेले एक एक और एक दो नहीं है, एक और एक ग्यारह है और ग्यारह आपको बाहर में घूम सकते हो, आप घर पे घूम सकते हो। हस्बैंड वाइफ सबसे पहला जो है वो होम टीम स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप घूम अगर साथ घूमने की वजह से आप दुनिया को मैं बस यही बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये एक्चुअली मैंने इसे चीज़ सकती हूँ कि आपको सुन लीजिए पूरा बंगाल का प्रॉब्लम है माइंड, बिकॉज अभी तक माइंड से कुछ और बना हुआ जो माँ बाप बोलेंगे वही करना है। अभी जब बच्चे अपनी ड्रीम्स को ड्रीम्स के लिए घर से बाहर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वो डर लगता है क्योंकि उनके पास नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज पहुँचते पहुँचते नेगेटिव इतना हावी हो जाता है कि बच्चों की वो चीज़ नहीं है। वो काम हम नहीं करना, वो काम हम सबको मिल के करना। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा, हमारा रहेगा और जो ऑलरेडी इस चेंज को एक्सेप्ट करें उनका आई एम श्योर धीरे धीरे चीज़ें बदल रहे हैं। न्यू जनरेशन को विश्वास अपने आप को पहले दिलाना होगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ों में इतने डिस्ट्रैक्शन भी आ गए, जैसे अभी अपने नशा की बात, बहुत सारे ऐसे जगहों पर वो चले जा रहे हैं नॉलेज के बजाय डर लगता है, पेरेंट्स लोग के डर की वजह से कहीं गलती हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एज अ यूथ कि हम भी ऐसा काम करें ताकि पेरेंट्स के साथ मिले एक एक बिना बोले का एक एक उनको उतना कॉन्फिडेंस दो। ऐसे कल उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस दिया तब वो वहाँ तक पहुँची। वो कॉन्फिडेंस आपको खुद को अपने पेरेंट्स को देना पड़ेगा थ्रू योर ओन एक्टिव, आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि यस दिस इज माई पावर। एग्जैक्टली चलिए आपको नहीं जो लोग आपको से ढूंढना चाहते हैं फेसबुक पर गूगल का किस नाम से मेरा हमारा ब्लॉग के दिव्यानी मित्रा के नाम से डबल डी ई जे ए है ना दिव्यानी मित्रा और आशीष जी का ऑलरेडी अपना पेज है डबल एस एच आई एस आर एस एच गूगल में नहीं आपका इंस्टा में है बिजनेस स्कूल के नाम पर इंस्टाग्राम पर भी है दोनों का नाम पर पेज है आई है आपके पास एक कंसेप्ट कहाँ से आ गई है प्रोग्राम इतनी बड़ी सेमिनार सीतारा में होना चाहिए? हम ये बस सोचे कि जब सर से जब हम मिले आशीष सर से जब हम मिले आशीष सर से मिलने के बाद में उनका इंटेंशन एक ही बात पता चला, जैसे आज के सेमिनार में उन्होंने एक ही बात बताया कि मुझे 1000 लोगों के घर में दिया जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चला कि जस्ट सीतारामपुर में इस चीज़ का स्टार्टअप मैं कर लूँगा। तो सीतारामपुर को जो लोग बहुत ऐसे लोग हैं जो सीतारामपुर को जानते नहीं, धीरे धीरे अब सीतारामपुर को भी लोग जानने लगेंगे इंडिया लेवल, इसी इंटेंशन को लेकर के। और मेरा एक ही इंटेंशन है सर्व कल्याण में अपना करना। आप लोग एक बहुत अच्छा बड़े पैमाने का सेमिनार को आज कैलकुलेट किए, कैसा लग रहा है आज का सेमिनार एडिट करके इसको ऑर्गेनाइज करके? हम तो बहुत ज़्यादा उल्लास हैं, बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव है और हमको ऐसा लग रहा कि आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के स्केल में लोग यहाँ पर आएंगे और इस तरह के इवेंट को अटेंड करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास। जो सेमिनार के लिए मेहनत उनका भी नाम होगा विनीत शर्मा जी है, विशाल जी है, संतोष जी है, सोनू जी है और हमारे पापा। ओके सर, थैंक यू।